नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर, और एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया आज जयपुर में राजस्थान धरोहर संग्रहालय के पहले चरण और पर्यटन कला संस्कृति विभाग के 110 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, हितधारकों के साथ भी किया संवाद। मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयोग के दल ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित, चुनाव की तैयारियों पर जताया संतोष। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान धरोहर संग्रहालय के पहले चरण और पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के 110 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनका राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के हितधारकों के साथ संवाद भी हुआ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए जाने की उम्मीद है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल ने आज जयपुर में विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रदेश में चुनाव से पूर्व चल रही तैयारियों पर संतोष जताया और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। वी आर कमिटेड फॉर एब्सोल्युटली फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ में हो, जिसमें वोटर्स की परसेंटेज ऑफ वोटिंग टर्नआउट बढ़े। और आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट देने आएं। कोई भी शिकायत किसी भी तरीके की, उसमें सी विजिल का यूज करें। सभी राजनीतिक दल और उनके कैंडिडेट्स सुविधा एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, ताकि जो पहले अप्लाई करे उसको पहले मिले, इम्पार्शियलिटी के साथ। और जितना लोग विजिलेंटली हमें बताएंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी है, उसको हम 100 मिनट के अंदर पूरा करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से ही वोट देने की सुविधा दी गई है। साथ ही उन्होंने युवाओं और महिलाओं से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। तो आपके माध्यम से हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि यूथ बड़ी से बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए जरूर जरूर आए। तो महिलाओं से भी फिर अपनी सभी माताओं बहनों से आग्रह है आपके थ्रू वोटर्स से कि वो जरूर बड़ी से बड़ी संख्या में वोट देने आएं, और उनकी भागीदारी चुनावों में ज्यादा हो, ये हमारा सतत प्रयास रहेगा। प्रदेश में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से प्रदेशवासियों को राहत मिल सकेगी। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 से इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसकी अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 की गई थी। इसके बाद अभियान के तहत अब तक 9,11,000 पट्टे जारी हो चुके हैं और 2,628 करोड़ से ज्यादा के राजस्व की प्राप्ति हुई है। इस अभियान के प्रति जनता की रुचि और उत्साह को देखते हुए इसकी अवधि को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। राजस्थान विधानसभा को अपना इलेक्ट्रिक सब स्टेशन मिल गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने आज 33 किलोवाट के आउटडोर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ इस सब स्टेशन का अवलोकन भी किया। इससे पहले कल जयपुर के राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई गई स्वीप प्रदर्शनी का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने फीता काटकर उद्घाटन किया। स्वीप प्रदर्शनी के तहत लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से किए गए नवाचारों को भी दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में बाड़मेर की 200 फीट लंबी जागरूकता मतदाता फड़ सभी के आकर्षण का केंद्र बन रही है। इसके अलावा युवाओं और नव मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खासतौर पर ELC क्लब कार्टून्स और वर्चुअल रियलिटी का भी सहारा लिया गया है। दिव्यांग कर्मियों द्वारा संचालित आदर्श मतदान केंद्र और पेंटिंग गैलरी भी प्रदर्शनी में लगाई गई है। इससे पहले कल हुई जिलेवार बैठक में निर्वाचन आयोग के दल ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ करने की बात कही।
और इसी के साथ निर्वाचन खर्च की मॉनिटरिंग के लिए शराब, नकदी और फ्री बीज के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। आयोग ने एपिक कार्ड की प्रिंटिंग और वितरण की भी जानकारी ली। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये संदेश। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई। इस बार परीक्षा के लिए 6,97,000 से ज्यादा अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। प्रदेश की 46 जिलों में 2158 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जिन पर यह परीक्षा संपन्न हुई। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित समिति की कल बैठक हुई। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों और वित्त सचिव राजस्व श्री के पाठक, वाणिज्य कर आयुक्त श्री रवि कुमार सुरपुर और संयुक्त सचिव नम्रता वृष्णी उपस्थित रहे। बैठक में सभी तेल कंपनियों के डिपो की लोकेशन के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले तथा राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अंतर और सीमावर्ती जिलों में उपभोग पैटर्न पर भी चर्चा की गई। राजस्थान ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए गिग वर्कर्स एक्ट लागू किया है। राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन ऑर्डर पर फूड और अन्य प्रोडक्ट घर घर पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स को कानूनी दायरे में लाकर गिग वर्कर्स को संबल दिया है। बचत, राहत, बढ़त की संकल्पना के साथ राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। अब इस जॉब में बाइक ही नहीं, जिंदगी की गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पा रही। अरे क्या हो गया भाई, तुमने ये नहीं देखा क्या? अब हर गिग वर्कर के लिए सरकार एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाएगी। सभी गिग वर्कर और एग्रीगेटर का रजिस्ट्रेशन। सरकार सभी गिग वर्कर के लिए एक डेटाबेस भी तैयार कर रही है। गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष स्थापित किया जाएगा। अगर एग्रीगेटर निर्धारित समय पर ये फीस नहीं देता है तो उसमें 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर 5,00,000 का जुर्माना और उसके बाद 50,00,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। अरे वाह, लो साहब तैयार है आपकी गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब चलेगी नहीं, दौड़ेगी जिंदगी की गाड़ी। गिग वर्कर सुरक्षा का नियम, सुरक्षित जॉब, समृद्ध जीवन, सिर्फ राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने वाले सालों में राजस्थान को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य के साथ राजस्थान मिशन 2030 शुरू किया। आज राजस्थान पूरे देश में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। यहाँ की योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि मिशन 2030 से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। राजस्थान खार, रंगों, स्वादों, किलों, महलों, धरोहर किस्सों, कहानियों और ऐसे अनगिनत गौरवशाली बातों की भूमि है। सच पूछो तो किसी जादू से कम नहीं है यहाँ की कला, संस्कृति और लोग। हो भी क्यों ना, जैसा जादू इसका इतिहास वैसा ही है वर्तमान। क्योंकि एक जादूगर नजाकत से संजो रहा है राजस्थान। नंबर 1 की ओर बढ़ते राजस्थान में जादू की छड़ी घुमाई है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। बहुत पीछे न जाकर अगर 2018 से ही देखें तो लगता है किसानों की कर्ज माफी कल ही की तो बात है। निरोगी राजस्थान से चिरंजीवी राजस्थान तक देखते ही देखते जिंदगी किस 1,45,00,000 से ज्यादा चिराग रोशन हो गए। 100 यूनिट फ्री बिजली से 94,00,000। ये थे अब तक के समाचार। अगली मुलाकात तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।